ओम गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री मनसा देवी द्वादश नाम स्तोत्रम्। ओम नमो मनसायै जरत्कारुजगद् गौरी मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता फलश्रुतिः। द्वादश एतानि नामानि पूजाकाले च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति। तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मन्दिरे नागभीते महादुर्गे नागवेष्टितविग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुञ्चते नात्र संशयः। नित्यं पठेद् यः दृष्टवा नागवर्गः पलायते। नागौधम्भूषणं कृत्वा स भवेत् नागवाहनाः। नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नरः। इति श्रीमनसादेवी द्वादशनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। माता मनसा देवी का यह द्वादश नाम का स्तोत्र 12 नाम का स्तोत्र है और देवी माता के 12 नाम प्रथम के 2 श्लोक में ही हैं। तो अगर आपको इसका ज़्यादा पाठ करना हो तो प्रथम 2 श्लोक की ही बार बार आवृत्ति करें। फल श्रुति एक बार अंत में पढ़ लेना चाहिए। यहाँ श्लोक संख्या 6 में कहा गया है नागौधम भूषणम कृत्वा, मतलब बहुत सारे नागों का आभूषण जो होता है। भवेत नाग वाहना, नाग उसका वाहन। नाग आसनो, नाग के आसन पर। और नाग तल्पो, तल्पो यानी बेड होता है, सीट होता है, पीठ होता है। तो इस द्वादश नाम के पाठ से अगर साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह नागों का आभूषण कर सकता है, नाग का वाहन कर सकता है, नाग के आसन पर वह बैठ सकता है। नागों द्वारा बनाया गया पीठ यानी सीट पर वह बैठ सकता है। तो यहाँ ऐसा कहा गया है, जैसे भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं तो वह उनका बिस्तर है, बेड है, उनका सीट है। इसी प्रकार यहाँ ऐसा अर्थ समझे। इसकी पीडीएफ की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।